इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार, नजर यूपी और पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। लेकिन आज सबसे ज्यादा सियासी हलचल है उत्तर प्रदेश में। बिना देर किए देखते हैं आज की तीन बड़ी खबरें। और पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, जहां पर 2022 के लिए बीजेपी ने रोडमैप तैयार किया है और संतों के सहारे जीतेंगे 2022। क्या यही रोडमैप है बीजेपी का? और दूसरी बड़ी खबर यह भी आपको बताते हैं क्या है, एक और ओबीसी दांव। जी हां, बीजेपी और केंद्र सरकार ओबीसी को लेकर एक बड़ा कुछ करने जा रही है, जिसका असर यह होगा कि यह वो वोट बैंक है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में हार और जीत तय होती है। तो क्या यह खबर, यह भी डिटेल में आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर, है योगी का ऑपरेशन एम। एक ओर हिंदुत्व का एजेंडा है तो दूसरी ओर सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर को भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की ओर से। इसके लिए वो सत्ता संभालने के बाद से लगातार ऑपरेशन एम में जुटे हैं। इस बार कहां कार्रवाई हुई है, इसका भी डिटेल आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर से इलेक्शन शो में। यूपी को जीतने के लिए बीजेपी का रोडमैप तैयार हो गया है और अब संघ ने मिशन यूपी के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें एजेंडा यह है कि साधु संतों से संपर्क किया जाएगा। महाविजय का जो रथ है वो साधु संतों के आशीर्वाद से आगे जाएगा। लखनऊ में संघ की बैठक के बाद तय हुआ है कि यूपी में साधु संतों की अगुवाई में हिंदुत्व का जो एजेंडा है आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अलग अलग जगहों पर संतों के साथ संपर्क अभियान किया जाने वाला है और संघ का ये एजेंडा जो है, जिसमें साधुओं के शरण में जाएंगे, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और साधु संतों से संपर्क अभियान किया जाएगा। यानी जो भी अभियान होगा, कहीं पर भी किसी इलाके में भी वहां के जो नामी संत हैं वहां उनके साथ संपर्क किया जाएगा और इसी तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा। और संघ ने अपने अभियान के तहत यूपी में जिन जिलों में साधु संतों से संपर्क करना शुरू किया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उनमें शामिल है धर्मनगरी, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इसके अलावा मथुरा, हरिद्वार, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जो आरएसएस है उसका फोकस है यहाँ के जो साधु संत है। देखिए, प्रयागराज हो गया, मथुरा हो गया, इसके अलावा अयोध्या हो गया, इसके साथ ही वाराणसी हो गया, ये वो जगह हैं जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है और इसके आसपास एक बड़े इलाके पे इसका असर भी पड़ता है। और यूपी में मिशन 2022 के लिए संघ का हिंदुत्व प्लान क्या है ये भी आपको समझाते हैं। इस पर अमल किया जाएगा वो भी आपको समझाते हैं कैसे। संघ की योजना है कि संतों की अगुवाई में हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया जाने वाला है। जी हाँ, संतों की अगुवाई में जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसे धार दिया जाए, क्योंकि संतों के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, आप उनके जरिए वहां पहुंच सकते हैं। कुंभ जैसे अन्य धार्मिक जो कार्यक्रम है उसमें जो भागीदारी होती है उसके जरिए भी लोगों के बीच संपर्क किया जाएगा। अयोध्या में दीपावली पर भव्य दीपोत्सव का आप करेंगे, आयोजन करेंगे, जो आपने देखा भी है कि लगातार योगी आदित्यनाथ हर दिवाली पर वहां जाते हैं, दीपोत्सव में शामिल होते हैं। मथुरा में जन्माष्टमी पर बड़ा आयोजन किया जाएगा, ये भी हमने देखा हुआ है कि किस तरह से योगी गवर्नमेंट ने इसको अपने कार्यकाल के दौरान किया है। और दिवाली पर दीपदान मेला बड़े पैमाने पर किया जाएगा, गांव-गांव में रामलीला हो या धार्मिक कार्यक्रम है इनका भी आयोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो त्यौहार है उसमें एक फोकस रहेगा। बात करेंगे संवाददाता योगेंद्र तिवारी से। योगेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए एक प्लान तैयार किया गया जिसमें संतों को साथ में रखा जा रहा है, तो संत, हिंदुत्व और साथ ही साथ जो त्यौहार है, ये तीनों चीजें किस तरह से अलाइन करेंगी इलेक्शन में? अमित, आरएसएस की दो महत्वपूर्ण बैठक पिछले महीने हुई, एक चित्रकूट में हुई, दूसरी ओर लखनऊ में हुई, लेकिन दोनों बैठकों में यूपी और पांच राज्यों का चुनाव अहम था। जिस तरीके से साधु संतों ने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और जिसको अमल पर बजाव किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे मुहर लगा दी, तो आरएसएस के मन में कहीं ना कहीं ऐसी धारणा है कि साधु संतों के सहारे ही ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए संघ ने दुर्गा उत्सव, दीपावली, दीपमाला, रक्षाबंधन के बाद इन त्योहारों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जितने भी मठ है, जितने भी मंदिर है, जितने भी पुराने स्थान है, वहाँ के साधु संतों का समाज पे बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहता है, तो समाज के लोगों को वो जाके सरकार की कार्य पद्धति, राम मंदिर, अयोध्या, बनारस, काशी, इन तमाम मुद्दों पे वो बातचीत करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो
संघ को लग रहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने के लिए और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए साधु संतों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। और इस पूरी मुहिम में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस के 36 सहयोगी संगठनों ने ये दामन की पूरा का पूरा काम संभाला है। अमित जी, जिद्दू, जिस तरह से आपने बताया कि जो मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या हो या फिर वाराणसी हो या फिर मथुरा हो, यहाँ पर जिस तरह से योगी सरकार ने जो काम किए, जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, या फिर अयोध्या में जिस तरह से पूरा ग्रैंड एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, उसकी एक एक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अब संत भी इसमें बहुत मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन शो की दूसरी बड़ी खबर, पहले केंद्र सरकार ओबीसी पर एक और बड़ा दांव लगाने जा रही है और खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जा सकती है और इस बिल में, इस मॉनसून सत्र में इसको पारित कराने की कोशिश की जा रही है और बिल के मुताबिक राज्यों को अपनी ओबीसी जो लिस्ट है उसे बनाने का अधिकार दिया जाएगा। और इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि केवल केंद्र ही ओबीसी की सूची बना सकती है, जिसका केंद्र ने विरोध किया था। अब सरकार कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए पलटने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर सरकार के ऊपर भी लगातार हमलावर रहे थे बाकी जो पार्टियां हैं। अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी पर तीसरा बड़ा दांव होगा। इससे पहले मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी थी, मंत्रिमंडल में आप देखिए काफी सारे ओबीसी मंत्रियों को रखा गया था। इसके अलावा नीट मेडिकल में ओबीसी आरक्षण, जिसमें 27% इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जगह दी जानी थी रिजर्वेशन की, उसके लिए सरकार ने मंजूरी दी और राज्य को ओबीसी लिस्ट बनाने का जो हक दिया जाएगा। तो ये तीन जो बड़ी चीजें जो ओबीसी के लिए की जा रही हैं, इसका जो इम्पैक्ट होने जा रहा है वो होगा 2022 के चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी समुदाय है और बीजेपी को जीत दिलाने में इस समुदाय का एक बहुत बड़ा हाथ था 2017 में भी। मिशन यूपी में भी मोदी और योगी का सबसे मेन टारगेट ओबीसी है, जो यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी में 3 ओबीसी मंत्री बनाकर भी सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है, जिसमें अनुप्रिया पटेल आप देख रहे हैं 7% जो कुर्मी समाज से वो आती हैं, इसके अलावा यहाँ पर पंकज चौधरी हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं, इनका भी 7% यहाँ पर वोट बैंक का एक दबदबा रहता है। यूपी में 9 विधायक हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बीएल वर्मा जो लोध समाज से आते हैं, उनका भी जो समाज है उसका भी 6% वोट बैंक है। तो इसी तरह से मंत्री हो, विधायक हो, हर किसी को जगह दी गई है ताकि जो 40% है नॉन यादव जो ओबीसी वोट है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और 2017 में बीजेपी को इसकी कामयाबी मिली थी। इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में बीजेपी की सबसे खास नजर ओबीसी वोट पर है, लेकिन इसमें भी टारगेट गैर यादव वोटर, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो 42-45% ओबीसी हैं, लेकिन इनमें 10% यादव वोट हैं जो अखिलेश यादव का कोर वोटर माना जाता है। इसके बाद भी 29-32% गैर यादव वोटर हैं, उन्हें बीजेपी अपने पाले में खींचना चाहती है और इसी की कवायद है कि बीजेपी ने 3 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे इन ओबीसी जो आपके समुदाय है वो उनके तरफ आ सकते हैं। मंत्रियों को जगह देना, इसके अलावा जो नीट यानी मेडिकल कॉलेजेस में 27% ओबीसी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन, और तीसरा वो है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने लिस्ट में ओबीसी को डाल सकते हैं कि किस समुदाय को डालना है। अब आपको यूपी से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का पूरा गणित समझाने की जरूरत है। देखिए, यादव 10% है यहां पर, जो कोर वोटर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के साथ जाते हैं। निषाद, केवट और मल्ला, ये टोटल 7% आते हैं और इनका जो भी नदी वाला इलाका यानी गंगा के आसपास के इलाकों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। कुर्मी पटेल 5% है और 17 जिलों पर इनका एक असर आता है। कुशवा 5% है, 10% से अधिक यानी 13 जिलों पर 10% से अधिक है, यानी कि हार और जीत तय करते हैं। मौर्य 4% आते हैं, तो इनका भी गैर जो यादव ओबीसी हैं उनमें अच्छा खासा इनका वर्चस्व है। लोध 3% यहां पर आते हैं। तो ये जो सारा का सारा जो समीकरण आप देख रहे थे, जो नॉन यादव है, यही वो कह सकते कि मास्टर कार्ड है बीजेपी के लिए, जो 2017 का जो जीत हुआ था, जो 2017 की जो जीत हुई थी उसको दोहरा सकते हैं 2022 में। उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी सरकार का करा एक्शन, ये है तीसरी बड़ी खबर और इसको लेकर आपको बता दें क्या कर रही है सरकार। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदार पर योगी सरकार ने अपना हंटर चलाया है। गाजीपुर और लखनऊ में मुख्तार की पत्नी और साले की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज की गई है और गाजीपुर में जिस घर को कुर्क किया गया है उसकी कीमत 1,18,00,000 बताई जा रही है। और इसके अलावा अफशा अंसारी के लखनऊ में गोमती नगर इलाके में स्थित एक फ्लैट को भी जब्त किया गया है। जब गाजीपुर पुलिस ने
सैयदवाड़ा इलाके में घर कुर्क करने गई तो ढोल वाले भी उनके साथ थे। प्रॉपर्टी पर ताला लगाने से पहले बकायदा मुनादी की गई। और आपको याद होगा कि जब योगी ने सीएम पद की कुर्सी संभाली थी सुनो श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सजीद रजा के सैयदपाड़ा स्थित भवन निर्माण को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो। तो यूपी में माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये बात उनके एक्शन में दिखता है। यूपी में अब तक 22,000 से ज्यादा अपराधियों पर एक्शन हुआ है और गैंगस्टर एक्ट में करीब 5,500 से ज्यादा को केसेस दर्ज हुए हैं और ये आंकड़े जनवरी 2020 अप्रैल 2021 तक के हैं। इसके अलावा 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया, यानी कि योगी सरकार जब से आई है तब से लगातार माफियाओं के खिलाफ केस किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि जो 2022 में रोडमैप तैयार हुआ है जीत के लिए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि अभी भी ये जो कार्रवाई जारी है। वैसे तो हर माफिया योगी के रडार पर है, लेकिन असली टारगेट वो दो चेहरे हैं जिनकी यूपी में कभी दहशत हुआ करती थी। इनमें सबसे बड़ा नाम है मुख्तार अंसारी का, करीब 2 अरब की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लगातार एक्शन हो रहा है मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के ऊपर। अब तक मुख्तार की करीब 2 अरब की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार के करीब 250 गुर्गों पर एक्शन लिया गया है और साथ ही मुख्तार गैंग पर 100 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं और मुख्तार अंसारी के करीब 160 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के अलावा अतीक अहमद पर भी योगी का हंटर लगातार चल रहा है। अतीक अहमद की 3 अरब से ज्यादा की संपत्ति अभी तक जब्त की जा चुकी है। सरकार ने अतीक गैंग के करीब 90 गुर्गों पर एक्शन किया है। 60 गुर्गों के जो लाइसेंस थे हथियार के, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 10 से ज्यादा गुर्गों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। तो ये दो जो नाम है, मुख्तार अंसारी हो अतीक अहमद हो, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप सोचिए कि लगातार सरकार ने कोशिश की और तब जाकर मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल से उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट हो पाया है। योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है, शुरू से ही उन्होंने क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। माफिया राज पर नहीं चलेगा, कोई माफिया राज नहीं चलने वाला, भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं, ये एजेंडा में था। यूपी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन कर रही है और अपराधियों पर एक्शन ये एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ आगे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी योगी ने मोदी से क्लियर ये कहा था, यानी कि योगी सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर एक बात कही थी कि योगी के रहते हुए माफिया राज खत्म हो चुका है। और अमित शाह अब से कुछ दिन पहले जब एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने गए, शिलान्यास करने गए थे, उस दौरान जिस जमीन पर वो हो रहा था वो जमीन भी माफियाओं से ही खाली करवाई गई थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब की बार किसकी सरकार में इतना ही। अब मेरी सहयोगी अर्चना के साथ आप देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।